तो भैया आपको एक बात मैं बोलता हूँ, स्ट्राइक रेट ये कोई मायने थोड़ी होता है। स्टैटिस्टिक्स आपको जैसा चाहिए आप बता सकते हैं। अभी कोई व्यक्ति एक बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया तो उसका स्ट्राइक रेट तो हाई हो जाता है ना। स्ट्राइक रेट तो इट्स अ मेयर स्टैटिस्टिक। इसलिए देखिए सर, एक बॉल पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ सर, एक बॉल पे 4 रन लगे आउट हो गए ना, एक बॉल पे 4 रन भी मार गए आउट भी हो गया। हाँ तो क्या हो गया, तो स्ट्राइक रेट तो 200 हो गया ना, 2 बॉल खेला और 4 रन निकाल दिए, स्ट्राइक रेट कितना हो गया, 200 स्ट्राइक रेट हो गया उसका। और दूसरा बेचारा 100 रन बना के भी स्ट्राइक रेट में 80 पे रह सकता है। देखिए मैं वापिस बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन में आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट, और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहूंगा कि हम वो डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की चार्ट पीछे दिखाएं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि बीजेपी कमजोर कड़ी साबित होगी। लोगों को लगा कि एकनाथ शिंदे की सेना कमजोर हो सकती है, कुछ को लगा अजीत पवार शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन जब एंड एनालिसिस हुआ एनडीए में आप कमजोर कड़ी साबित हुए। पहला ये कि तब से अब तक क्या रिकवरी हो चुकी है असेंबली इलेक्शन के लिए, क्या आप यहां से वापस खींच पाएंगे, और क्या हुआ कि बीजेपी कमजोर कड़ी साबित हुई? पहली बात तो यह है कि बीजेपी को कमजोर कड़ी कहना यही सबसे गलत एनालिसिस है। ये जिसने एनालिसिस किया है उसको नए तरीके से एनालिसिस करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने 9 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी की, ये 3% के 3% के भीतर हम लोग हारे हैं, 6,000 से 4,000 से 5,000 से हम लोग हारे। और आप टोटल एनालिसिस कर लिए, हम ही नंबर 1 पार्टी है, हमको ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो कोई बीजेपी बिल्कुल कमजोर कड़ी हुई है ये कहना गलत बात है। हाँ ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो फेक नरेटिव जिसके भरोसे एमवीए ने सीटें जीती, आज वो लोग जान चुके हैं कि ये फेक नरेटिव है, और हमने ग्राउंड को गेन किया है। और मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी महायुति ये पूरी मेजॉरिटी के साथ विधानसभा का चुनाव जीत। आप अपनी बात की बात कर रहे थे, हाँ। वही हम बताना चाहते हैं। ये देखिए पीछे आपकी स्क्रीन पे है, आपने कहा कि आप कमजोर कड़ी नहीं है, मैं केवल डेटा पे जाता हूँ। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32% है, एनसीपी अजीत पवार का 25 और शिवसेना शिंदे का 47। इसकी तुलना में इंडिया अलायंस में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 76, शरद पवार की एनसीपी का 80 और 43%। आप कह रहे हैं कि आप कमजोर कड़ी नहीं है, पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से कितनी बॉल खेली कितने रन बनाए उसके हिसाब से तो उससे है कमजोर। देखो भैया आपको एक बात मैं बोलता हूं, स्ट्राइक रेट ये कोई मायने थोड़ी होता है। स्टैटिस्टिक्स आपको जैसा चाहिए आप बता सकते हैं। अभी कोई व्यक्ति एक बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया तो उसका स्ट्राइक रेट तो हाई हो जाता है ना। स्ट्राइक रेट तो इट्स अ मेयर स्टैटिस्टिक। इसलिए देखिए सर, एक बॉल पे 4 रन मारे आउट भी हो गए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ सर, एक बॉल पे 4 रन लगे आउट हो गए ना, एक बॉल पे 4 रन भी मार गए आउट भी हो गया। हाँ तो क्या हो गया, तो स्ट्राइक रेट तो 200 हो गया ना, 2 बॉल खेला और 4 रन निकाल दिए, स्ट्राइक रेट कितना हो गया, 200 स्ट्राइक रेट हो गया उसका। और दूसरा बेचारा 100 रन बना के भी स्ट्राइक रेट में 80 पे रह सकता है। देखिए मैं वापिस बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गया तो उसका 200 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा, 400 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा, वो दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप देखें तो आपने अब तक जितने महाराष्ट्र में चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, उससे आपने 3 सीटें ज्यादा लड़ी है, और अब तक का आपका परफॉर्मेंस ये महाराष्ट्र में लोकसभा का वर्स्ट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। आप नॉर्मली डबल डिजिट में रहते थे और 14 और 19 में आप 23 तक पहुंच गए थे, ये आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस है जबकि आपने सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लड़ी थी। आप ये जरूर कह सकते हैं, मैं इस एनालिसिस को मान्य करूंगा, हमारी लड़ाई जब हमसे हुई यानी हमारे पुराने रिकॉर्ड के साथ हुई तो निश्चित रूप से हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। हम लोगों ने पिछले समय जो परफॉर्म किया है उसकी तुलना में यह बहुत कम रहा है। लेकिन मैं वापिस आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सीटें कैसे हम हारे, देखिए ना, 6,000 से 4,000 से 16,000 से 18,000 से 12,000 से ऐसे हम लोग सीटें आ रहे, और जो जीते एक सीट अगर छोड़ दीजिए एक, तो बाकी सारी सीटें
डेढ़ लाख से, दो लाख से, ढाई लाख से जीते हम। सर इसका एनालिसिस फिर ऐसा किया जा सकता है कि आपको आपके अलायंस, आपका फायदा आपके अलायंस पार्टनर्स को हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 47% स्ट्राइक रेट लेकर चली गई, लेकिन जिसके लिए आपने उनको साथ में लाया था उसका फायदा आपको नहीं हो पाया। देखिए इसका बहुत स्पष्ट एनालिसिस मैं करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसका वोट ट्रांसफर हमको ज्यादा हुआ, उस तुलना में अजीत दादा की एनसीपी का हमको कम हुआ। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान में लेना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां एक प्रकार से ब्रेकअवे पार्टियां थी, नई पार्टियां थी, तो ये चुनाव उनके लिए उनके वोटर को सेटल करने का था, उनका वोटर कौन है उसको चिन्हित करने का था। इसलिए उनको वोटर चिन्हित करके उस वोटर को हमारी तरफ ट्रांसफर करना एक तकलीफ थी। हमारे लिए वो नहीं था, हमारे लिए तो हम लोग एक सेटल्ड पार्टी थे, इसलिए हम हमारे वोट को ट्रांसफर कर पाए। लेकिन विधानसभा में ये नहीं होगा, विधानसभा में निश्चित रूप से वो भी हमको ट्रांसफर कर पाएंगे, हम तो उनको ट्रांसफर करेंगे ही, और इसलिए ये दोनों पार्टियों का फायदा होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा पुराना गठबंधन है, इसलिए एक दूसरे को वोट देना आसान है। एनसीपी के साथ हम लोग सालों तक उनके खिलाफ लड़े, तो ट्रांसफर करना थोड़ा कठिन था, लेकिन अब उतना कठिन नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों अलायंसेज जो है ये सेटल हो चुके हैं।